दोस्तों आज हम भारत के OTT प्लेटफॉर्म्स यानी वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स के बारे में बात करने वाले हैं। भारत में जितने भी अलग अलग वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं उनके बीच का कंपटीशन कैसा है, उनका मार्केट शेयर कितना है, सब्सक्रिप्शन प्राइस कैसी है, नेटफ्लिक्स ने जो नया 199 वाला प्लान लॉन्च किया है उसके बारे में, उसके दूसरे प्लान्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, या फिर Zee5, वर्ल्ड बालाजी, एरोस नाउ, इनका कंटेंट ऑफिशियली हम कहाँ कहाँ पर फ्री में देख सकते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म पर हमें कौन सा कंटेंट, किस प्रकार का कंटेंट देखने को मिलता है, किसके क्या प्लस पॉइंट है, किसके क्या माइनस पॉइंट है, ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में यानी OTT सर्विसेज के बारे में डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स आने वाले समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाले हैं। अभी भी है, ऐसे नहीं कि आने वाले समय में होने वाले, अभी भी वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन आने वाले 2 सालों में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। इसकी शुरुआत भारत में 2008 में हुई थी जब रिलायंस ने बिगफ्लिक्स नाम की एक OTT सर्विस शुरू की थी। मैंने उसे कभी यूज़ किया नहीं है। उसके बाद 2010 में NextGTV नाम का एक पहला OTT मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था और अभी हाल ही की हम बात करें जब सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत में हुई मोबाइल ऐप्स की एक बड़े मात्रा में, तो Ditto TV का उदाहरण हम दे सकते हैं। जब 2013 के आखिर में उसको लॉन्च किया गया था, Ditto TV ऐप को, उसके साथ ही सोनी लिव को भी उसी समय लॉन्च किया गया था। Ditto TV को मैंने कुछ 2-3 महीनों के लिए सब्सक्राइब किया था, कुछ 20 रुपये ऐसे कुछ वो लेते थे मंथली और उसमें कई सारे चैनल्स हमें देखने को मिलते हैं, पर वो उतना कुछ मुझे पसंद नहीं आया था। मतलब उस समय 4G भी नहीं था, नेट की स्पीड उतनी बढ़िया नहीं थी, उसमें देखने की उतना मज़ा आता नहीं था। लेकिन इसमें इस इंडस्ट्री को, वीडियो स्ट्रीम जो OTT सर्विसेज है, इस इंडस्ट्री को सबसे बड़ा बूस्ट मिला 2015 में जब हॉटस्टार को लॉन्च किया गया और पिछले 3-4 सालों में ये इंडस्ट्री 3,500 करोड़ की बन गई है और आने वाले 2 सालों में यानी 2022 तक इंडस्ट्री 5,500 करोड़ की बनने वाली है और दुनिया के टॉप 10 OTT सर्विसेज के मार्केट में भारत अपनी जगह बनाने वाला है। OTT सर्विसेज की लोकप्रियता बढ़ने की सबसे मुख्य वजह है कि ये सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मूवी देखने के लिए जाता है तो मिनिमम 200 से 350 रुपये टिकट तो एक व्यक्ति का होता ही है। अगर वो फैमिली के साथ में जाता है तो सबका मिलाकर 1,000 से 1,500 रुपये तो टिकट की ही केवल प्राइस हो जाएगी और आने जाने का खर्चा, वहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे अगर फैमिली के साथ बाहर जाएंगे तो उसमें 500-1,000 रुपये अलग से खर्च होगा। तो कुल मिलाकर एक परिवार एक समय में एक मूवी पर 1,500 रुपये के आसपास, एवरेज में आपको बता रहा हूँ, 1,500 रुपये के आसपास वो खर्च करता है। वहीं पर अगर वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स की हम बात करें तो लगभग सभी वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स भारत में साल के 999 रुपये या उससे भी कम चार्जेस लेते हैं पूरे साल के। नेटफ्लिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी जितने भी OTT सर्विसेस है वो 999 रुपये से भी कम चार्जेस या उतने चार्जेस साल के लेते हैं, यानी एक महीने के केवल 84 रुपीज करीब करीब। और इसमें आप पूरे साल भर हज़ारों मूवीज़ है, कई प्लेटफॉर्म्स, म्यूज़िक भी आपको इसके साथ में, सॉन्ग्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, TV शोज़ है, वेब सीरीज़ है, उसमें बॉलीवुड का भी कंटेंट है, हॉलीवुड का भी है, हमारी प्रादेशिक भाषाओं की मूवीज़ का भी कंटेंट आपको उसमें मिल जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मूवीज़ और वेब सीरीज़ भी आपको इसमें मिल जाती है। कई सारे वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं साल के केवल 999 रुपये में। इसके अलावा इनका एक और फायदा ये है कि जब भी हम कोई इंटरनेशनल मूवी देखते हैं या कोई रीजनल फिल्म देखते हैं या जो लैंग्वेज हमें पता नहीं होती, ऐसी सारी मूवीज़ पर हमें यहाँ पर सबटाइटल्स मिल जाते हैं। लगभग इंग्लिश में तो सब में सबटाइटल्स होते ही है, कई सारी मूवीज़ के हिंदी, तमिल, तेलुगु, इनमें भी हमें सबटाइटल्स देखने को आजकल प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्राइम वीडियोज़ के द्वारा या हॉटस्टार या अलग अलग ऐसे जो वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स है वो इंग्लिश के अलावा भी दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में भी सबटाइटल्स अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो ऑडियो है मूवी का, जो हॉलीवुड की मूवीज़ या दूसरी जो भी कंटेंट है जिन जो डब हो चुका है या ये प्लेटफॉर्म्स खुद होकर भी कई सारे कंटेंट को खुद डब कर रहे हैं आजकल, तो हिंदी, तमिल, तेलुगु ऐसे अलग अलग ऑडियो में ही हमें मिल जाते हैं साथ में ही, यानी हम किसी भी फिल्म का डब वर्जन भी देख सकते हैं लगभग सभी फिल्मों का। कुछ कुछ का अवेलेबल होता नहीं है तो कई बार उन जो वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है उनका, जिसके साथ में पार्टनरशिप है, जिस स्टूडियो के साथ में, उनके पास में उस हिंदी वर्जन के राइट्स नहीं होते। ऐसे अगर एक्सेप्शन को हम छोड़ दें तो लगभग सभी डब वर्जन के जो ऑडियोज़ होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, वो सभी हमें अवेलेबल हो जाते हैं इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर। आजकल नेटफ्लिक्स भी कई सारी हॉलीवुड और इंटरनेशनल मूवीज़ या वेब सीरीज़ को हिंदी में डब करके रिलीज़ कर रहा है। जैसे कि अभी मिराज जो एक स्पेनिश फिल्म थी, फिर भी उसे हिंदी में डब करके नेटफ्लिक्स ने रिलीज़ किया। उसके अलावा कई सारे ऐसी वेब सीरीज़ है, स्ट्रेंजर थिंग्स का आप उदाहरण लीजिए या और भी कई सारे ऐसी मूवीज़ हैं जिन्हें हिंदी में डब करके नेटफ्लिक्स रिलीज़ कर रहा है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। लेकिन
एक बात में थोड़ी सी निराशा है कि नेटफ्लिक्स ने कई सारी अच्छी अच्छी वेब सीरीज और मूवीज़ को अभी तक हिंदी में डब नहीं किया है, तो इस पर नेटफ्लिक्स को अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कंटेंट की हम बात करें तो हॉटस्टार पर 1 लाख घंटों से भी ज़्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। इसके अलावा अमेजोन प्राइम वीडियोज़ पर 2000 से ज़्यादा मूवीज़ और 400 शोज़ अवेलेबल है। और भारत में अभी सबसे ज़्यादा कंटेंट अगर किसी OTT प्लेटफॉर्म के पास में है तो वो है एरोस नाउ। 11,000 से ज़्यादा मूवीज़, 1 लाख से ज़्यादा म्यूजिक एल्बम्स और 100 से ज़्यादा टीवी शोज़ उनके पास में अवेलेबल है। जल्दी से हम इन सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम हॉटस्टार की बात करते हैं। हॉटस्टार 1 महीने के 299 रुपये लेता है और अगर पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आप एक साथ में लेते हैं तो आपको केवल 999 रुपये देने होते हैं, यानी आपके 2,589 रुपये बच जाते हैं। पर काफ़ी सारा हॉटस्टार पर कंटेंट ऐसा है जो फ्री में अवेलेबल है। कई सारे मूवीज, टीवी शोज, सीरियल्स, काफ़ी सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। केवल बीच बीच में आपको उसमें एड्स देखने पड़ते हैं। और जिस कंटेंट के ऊपर प्रीमियम टैग लगा होता है, जैसे कि हॉटस्टार पर जो हमें HBO, फॉक्स या डिज्नी का जो इंटरनेशनल कंटेंट देखने को मिलता है, या कुछ इंडियन कंटेंट भी ऐसा है जिस पर प्रीमियम टैग लगा होता है, उसके लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा अल्ट बालाजी 3 महीने के केवल 100 रुपये लेता है और अगर पूरे साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको केवल 300 रुपये देने पड़ते हैं। इसके बाद में अमेजोन प्राइम वीडियोज़ 1 महीने के 129 रुपये लेता है और पूरे साल के 999 रुपये। पर अमेजोन प्राइम वीडियोज़ के और भी कई सारे फ़ायदे हैं। आपको प्राइम म्यूज़िक जो पिछले साल ही उसने लॉन्च किया है उसका भी हमें फ़ायदा मिलता है। और जब आप अमेजोन पर शॉपिंग करते हैं तो प्राइम मेंबरशिप के अलग से फ़ायदे होते हैं, फास्ट डिलीवरी आपको मिल जाती है। Zee5 1 महीने के 99 रुपये लेता है और पूरे साल के 999 रुपये। अब हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में। नेटफ्लिक्स के अभी भारत में 4 मुख्य प्लान्स है। एक है मोबाइल, जो अभी 10 दिन पहले उन्होंने लॉन्च किया है, 199 रुपये का प्लान। दूसरा है बेसिक, जो है 499 रुपये का प्लान। तीसरा है स्टैंडर्ड, जो है 649 रुपये का प्लान। और चौथा है प्रीमियम, जो है 800 रुपये का, 799 रुपये का वो प्लान है। अब जो बेसिक प्लान है जिसे अभी 10 दिन पहले उन्होंने लॉन्च किया है 199 रुपये का, इसमें आप नेटफ्लिक्स का सारा कंटेंट अनलिमिटेड देख सकते हैं। बस लिमिटेशन इतना है कि आप उसे केवल मोबाइल या आपके टैबलेट पर ही देख सकते हैं। लैपटॉप पर आप उसे देख नहीं सकते, या आपके बड़े स्क्रीन पर कास्ट करके या Amazon Fire Stick TV के द्वारा या किसी भी तरीके से आप बड़े स्क्रीन पर इसे नहीं देख सकते। दूसरी कमी है, इसमें आपको केवल SD 480p में ही आप इस कंटेंट को देख सकते हैं, HD क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी और ये केवल एक यूज़र तक ही सीमित है। इसके बाद का जो दूसरा प्लान है वो है 499 रुपये का। 300 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा अलग से फ़ायदे आपको मिलते नहीं है। पहले वाला प्लान की तरह ही ये भी है, 199 की तरह। बस इसमें फ़ायदा इतना है कि आप इसे बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लैपटॉप पर या आपके TV पर कास्ट करके या फायर स्टिक TV के द्वारा किसी भी तरीके से बड़ी स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। यही एक एक्स्ट्रा फ़ायदा आपको इस 499 रुपये प्लान में मिलता है। इसके बाद जो 649 वाला प्लान है, इसमें आपको HD क्वालिटी भी मिलती है और दूसरा जो फ़ायदा मिलता है वो आप 2 यूज़र्स एक साथ में इसे यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ में हो और दोनों मिलकर अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोनों को 1 महीने में 325 रुपये देने होंगे। तो ये 600। उसके बाद जो 799 रुपये वाला प्लान है, इसमें आपको अल्ट्रा HD का एक एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है। पहले वाले सारे बेनिफिट्स तो है ही, उसके अलावा अल्ट्रा HD एक और मिलता है आपको फ़ायदा, और 4 यूज़र्स एक साथ में इसे यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप 4 दोस्त अगर एक साथ में इस प्लान को लेने की सोच रहे हैं तो हर एक को केवल 200 रुपये देने होंगे। और मेरे ख्याल से ये सबसे बढ़िया फ़ायदेमंद प्लान है। जो मोबाइल वाला प्लान है 199 का, अगर आपको केवल मोबाइल पर कंटेंट देखना है, लैपटॉप की या TV का कोई झंझट नहीं है, तो बिल्कुल 199 रुपये का आप ले लीजिए। शेयरिंग का वगैरह कोई झंझट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 199 वाला। लेकिन जो 499 रुपये वाला प्लान है वो तो बस उल्लू बनाने वाला धंधा है यार। 300 रुपये ज़्यादा लेते हैं लेकिन उसमें कोई भी अलग से बेनिफिट हमें नहीं मिलते, ना ही HD क्वालिटी मिलती है, बस बड़े स्क्रीन पर देखने का एक फ़ायदा मिलता है। तो फिर 499 का लेने की अपेक्षा सीधे 649 का ले लीजिए। 2 लोग यूज़ कर सकेंगे, HD क्वालिटी भी मिलेगी, बड़े स्क्रीन पर भी देख सकेंगे, और बाकी 799 वाला तो है ही। इसके बाद में एरोस नाउ, जो 1 महीने के 99 रुपये लेता है और पूरे साल के 950 रुपये। उनका एक 470 वाला प्लान भी है लेकिन उसमें HD क्वालिटी और सबटाइटल्स अवेलेबल नहीं होते। उसके बाद में सोनी लियो, उसका सारा कंटेंट फ्री में है, बस आपको बीच बीच में एड्स देखने होते हैं। अगर आपको एड्स नहीं चाहिए तो वो 1 महीने के 99 रुपये लेते हैं और पूरे साल के 499 रुपये। अभी तक हमने 2 बहुत बड़े खिलाड़ियों के बारे में बात नहीं की है। उनके पास में अपना खुद का तो कोई ओरिजिनल कंटेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके यूज़र्स बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा है बाकी सबसे। एक है MX Player और दूसरा है JioTV।
एमएक्स प्लेयर के कुल मिलाकर 500 मिलियन यूजर्स हैं, क्योंकि वो पहले एक वीडियो प्लेयर ऐप था, लेकिन बाद में टाइम्स ग्रुप ने उसे खरीद लिया और उसे रिलॉन्च किया गया एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह। इस वजह से उनके इतने सारे यूजर्स हैं। उन्होंने अभी अपना खुद का भी कुछ ओरिजिनल कंटेंट भी रिलीज किया है उनके ऐप पर, उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे ही। और जियो टीवी के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके इतने यूजर्स क्यों है, उनके भी लगभग लगभग एमएक्स प्लेयर के जितने ही यूजर्स हैं। इन सब के अलावा कुछ रीजनल वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स भी है जिसमें प्रादेशिक भाषाओं का कंटेंट हमें देखने को मिलता है। इसमें सबसे मशहूर है होईचोई, जिसमें बंगाली कंटेंट हमें देखने को मिलता है। उसका हिंदी डब वर्जन भी, इस सारे कंटेंट का हिंदी डब वर्जन भी कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। और दूसरा है सन एनएक्सटी ऐप, जिस पर हमें साउथ इंडियन मूवीज और उनके कुछ टीवी शोज सब हमें सन एनएक्सटी ऐप पर देखने को मिलता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे यार, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप से किस किस का सब्सक्रिप्शन ले आदमी, इतने सारे पैसे आदमी लाएगा कहाँ से, ऊपर से डीटीएच का जो रिचार्ज होता है वो करना अलग से ही होता है। देखिए, यहाँ पर सबसे फायदे की बात यह है, खुशी की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है अभी भारत में, वो फ्री में अवेलेबल है। चाहे वूट आप उदाहरण ले लीजिए जो वायकॉम का है, या फिर एमएक्स प्लेयर भी पूरी तरीके से फ्री में है, सोनी लियो पूरी तरीके से फ्री में है, या फिर जियो टीवी, जियो सिनेमा, वो भी जियो के यूजर्स के लिए पूरी तरीके से फ्री है। इसके अलावा अगर आप एयरटेल या फिर आइडिया के यूज़र है, टेलीकॉम, कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ में पार्टनरशिप की है। और अगर आप एयरटेल या फिर आइडिया के यूज़र हैं तो आइडिया मूवीज ऐप पर या फिर एयरटेल टीवी के ऐप पर आपको Z5, एरोस नाउ और अर्ल्ड बालाजी, इन तीनों का कंटेंट फ्री में देखने को मिलेगा। अगर आप इन तीनों का अलग से सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं साल का, तो 2,500 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर आप केवल एयरटेल या आइडिया का 299 या फिर 399 का जो भी उनका कुछ प्लान है, आप आपके ऑपरेटर को कॉल करके पूछ लीजिए इसके बारे में पूरी जानकारी। केवल 299 या फिर 399 के प्लान के साथ में आपको डेली का जो 1.5 GB, 2.5 GB डेटा है वो तो मिलेगा ही, साथ में साल भर के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट आप फ्री में देख सकते हैं उनके ऐप्स पर। इसके अलावा आइडिया के कुछ सिलेक्टेड प्लान्स पर Amazon Prime Videos की 1 साल की मेंबरशिप पूरी तरीके से फ्री में है। और एयरटेल ने भी उनका जो एक वी फाइबर नाम का ब्रॉडबैंड लॉन्च किया है, उसका अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने के लिए नेटफ्लिक्स आपको फ्री में मिल जाता है, और 1 साल के लिए Amazon Prime Videos की मेंबरशिप एयरटेल पर फ्री में मिल जाती है। तो आप अपने ऑपरेटर को कॉल करके इसके बारे में डिटेल में जानकारी पूछ सकते हैं। और अगर आप जियो के यूज़र्स हैं तो जियो टीवी, जियो सिनेमा पर तो ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है ही। जियो ने अभी डिज्नी के साथ भी पार्टनरशिप की है, इसलिए अपने अगर आप जियो सिनेमा का ऐप अभी खोलते होंगे तो सबसे पहले आपको वो पूछता होगा जियो सिनेमा में जाना है या फिर डिज्नी जियो में जाना है। तो उस पर डिज्नी का भी काफ़ी सारा कंटेंट है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, अलग अलग डब वर्जन भी उन मूवीज़ के अवेलेबल है वहाँ पर, काफ़ी सारी मूवीज़ के, सबके नहीं है। इसके अलावा अर्ल्ड बालाजी का और एरोस नाउ का कंटेंट भी जियो सिनेमा पर आपको फ्री में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक बात तो आपको बतानी रहेगी, जो एयरटेल के यूजर से अगर एयरटेल टीवी को डाउनलोड करते हैं इस ऐप को, तो उस पर उन्हें हुक का इंटरनेशनल कंटेंट, काफ़ी सारी इंटरनेशनल वेब सीरीज, चाहे वो फ्लैश हो या दूसरी काफ़ी सारी इंटरनेशनल वेब सीरीज, उन्हें वहाँ पर फ्री में देखने को मिलेगी। इसके अलावा होईचोई, जो मैंने आपको पहले ही बताया, बंगाली कंटेंट जिसमें देखने को मिलता है, उसका हिंदी डब वर्जन एयरटेल टीवी ऐप पर आपको देखने को मिल जाएगा। और एमएक्स प्लेयर को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उनका ओरिजिनल कंटेंट तो है ही, इसके साथ, इसके अलावा आपको उस पर होईचोई का जो डब्ड वर्जन है, काफ़ी सारी होईचोई की वेब सीरीज, वो आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। और भी कई सारी लाइव टीवी, कई सारे चैनल्स आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। यानी ले दे के आपको बस हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स, इन दोनों का ही अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है। नेटफ्लिक्स के बारे में तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया ही उसका कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा है। और जहाँ तक बात है हॉटस्टार की, तो देखिए उसका ज़्यादातर कंटेंट हॉटस्टार का फ्री है, एड्स के साथ में देख लीजिए। और अगर कभी कोई ऐसा कोई कंटेंट आपको देखना ही हो जो प्रीमियम है और उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत है, तब जाकर आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 999 रुपये में साल भर कोई महंगा नहीं है। देखिए, भारत में ओटीटी सर्विसेज में इतना सारा कंपटीशन अभी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हॉटस्टार अभी भी एक नंबर पर है। शुरुआत भी उसने की थी ऐसा हम कह सकते हैं, और फिर भी 4 साल बाद भी अभी भी वो एक नंबर पर ही है। ये बाजू में आप चार्ट देख सकते हैं। लेकिन कमाई की अगर हम बात करें तो नेटफ्लिक्स भारत में एक नंबर पर है। हॉटस्टार के यूज़र्स इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी नेटफ्लिक्स हॉटस्टार से 20 गुना ज़्यादा कमाई करता है। देखिए, नेटफ्लिक्स का एक यूज़र की मंथली एवरेज ऑर्डर वैल्यू 640 रुपये है, यानी 1 साल के 8,000 रुपये नेटफ्लिक्स का एक यूज़र खर्च करता है
साल भर में 8,000 रुपये। वहीं पर हॉटस्टार का एक यूज़र केवल 376 रुपये ही एक साल में खर्च करता है। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स के चार्जेस बहुत ज़्यादा है इसी वजह से, पर अभी उन्होंने उनका 199 रुपये वाला प्लान लॉन्च किया है। अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो तो हमें अगले क्वार्टर में जब उनका रिपोर्ट आएगा उसी समय हमें पता चल सकता है, पर मुझे लगता नहीं कि उससे कुछ ज़्यादा उनकी कमाई पर फ़र्क पड़ेगा नेटफ्लिक्स की, क्योंकि नेटफ्लिक्स ज़्यादातर जो लोग पैसे खर्च कर सकते हैं ऐसे यूज़र्स को ही टारगेट करता है। जो मुझे लगता कि वो जो यूज़र है वो 200 रुपये वाला प्लान लेगा कोई जाकर, तो मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स की कमाई पर इस नए प्लान से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। और जो जिस प्रकार का कंटेंट नेटफ्लिक्स बना रहा है, चाहे वो सेक्रेड गेम्स हो या लव स्टोरीज हो, घुल हो, जहाँ तक बात है सेक्रेड गेम्स की, तो वो उसके गालियों की वजह से, स्किन शो की वजह से, जो मीम्स वगैरह उस पर बने उस वजह से वो काफ़ी फेमस हो गया और काफ़ी सारे लोगों ने वो वेब सीरीज़ इसी उत्सुकता में देखी। जो गालियाँ है, मीम्स है, स्किन शो वगैरह है, उसी उत्सुकता में काफ़ी सारे लोगों ने वो वेब सीरीज़ देखी है। पर क्या उन सभी ने नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब किया है? क्या उन्होंने वो सब्सक्रिप्शन लिया है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। देश में पायरेसी की समस्या है, इसको हम नकार नहीं सकते बस आंखों पर पट्टी बांध कर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सभी OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए है, पायरेसी। और जो अगर लोगों को ये कंटेंट आसानी से मिल रहा है तो कोई क्यों 200 रुपये भी खर्च करेगा? और जो लोग खर्च कर रहे हैं ऑलरेडी नेटफ्लिक्स का, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो 200 रुपये वाले प्लान पर शिफ्ट होंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता। और अगर इन OTT प्लेटफॉर्म्स को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उन्हें इस पायरेसी की समस्या को ही दूर करना होगा। लेकिन फिर भी देखिए, आने वाले समय में हॉटस्टार 120 करोड़ रुपये ओरिजिनल कंटेंट बनाने में इन्वेस्ट करने वाला है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स 600 करोड़ रुपये और वही अमेजॉन प्राइम वीडियोस 2,000 करोड़ रुपये भारत में ओरिजिनल कंटेंट बनाने के लिए इन्वेस्ट करने वाला है, क्योंकि आने वाले 2 सालों में ये मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, कई गुना ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स के यूज़र्स बढ़ने वाले हैं। आखिर में भारत के जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, खास तौर पर नेटफ्लिक्स, इन सबको मैं बस एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि वे अपने कंटेंट पर ध्यान दें। अभी वे केवल बॉलीवुड की तरह जल्दी से जल्दी कैसे वो फेमस हो सके, जल्दी से जल्दी कैसे वो पैसे कमा सके, पब्लिसिटी उनको कैसे जल्दी मिल सके, उस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के फॉर्मूले पर वो काम कर रहे हैं, जैसे कि बॉलीवुड केवल फिल्म में स्किन शो डाल दो, आइटम सॉन्ग डाल दो, या फिर किसी बड़े स्टार को ले लो फिल्म में, भले ही कंटेंट हो या ना हो, या फिर किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को उठा लो। यही काम लगभग सारे OTT प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, खास तौर पर नेटफ्लिक्स की हम बात करें तो, चाहे घुल का उदाहरण ले लीजिए या फिर लैला का उदाहरण ले लीजिए। तो ये सब छोड़कर नेटफ्लिक्स को एक मैच्योर कंटेंट बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा टाइपराइटर जैसी जो वेब सीरीज उन्होंने बनाई है, उस वेब सीरीज को डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने सुजय घोष जी को लिया, जिन्होंने कहानी जैसी फिल्म हमें दी। लेकिन अगर हम उस वेब सीरीज का बजट देखें तो एक बहुत ही मतलब किसी 1990 के ज़माने की आहट की तरह कोई पुरानी सीरियल वो हमें लगती है। तो उन नेटफ्लिक्स को अपना बजट भी बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरे देशों में देखो यार, किस प्रकार की वेब सीरीज़ बन रही है, किस प्रकार का कंटेंट आ रहा है नेटफ्लिक्स पर, लेकिन भारत में वो बस वही बॉलीवुड की पुरानी चीप ट्रिक्स वो यूज़ कर रहे हैं पब्लिसिटी के लिए। और इस प्रकार का अगर वो कंटेंट बनाते रहेंगे तो देखिए, यही सब करके बॉलीवुड ने तो अपना नाम खराब कर ही लिया है, और ये सब करके आप लॉन्ग टर्म एक लंबे रेस के खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो दोस्तों, आप इन सब OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में क्या सोचते हैं? आपने किसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है या आपकी इनसे क्या अपेक्षा है? आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।